हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो आप जो ये मेरे सामने देख रहे हो, ये है टाटा नेक्सॉन का काजीरंगा एडिशन, जिसका जो है आज मैं आपको फुल डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ। इसके अंदर जो क्या क्या चेंजेज आए हैं काजीरंगा एडिशन आने के बाद में। और तो दोस्तों, 100 जो देश की शान है उसको सपोर्ट करते हुए टाटा ने काजीरंगा एडिशन लेके आया, और ये IPL फैंस के लिए स्पेशल लाया गया। तो दोस्तों, इसके अंदर जो जो चेंजेज आए हैं टाटा नेक्सॉन के अंदर, मैं सारा के सारे आपको इस डिटेल वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो कलर है, सबसे बड़ा मेजर चेंज है ग्रासलैंड बीच कलर। क्या लगता है, बहुत ही अल्टीमेट, एक जो नई सी चमक जो है नेक्सॉन के अंदर जो है टाटा ने डाल दी है, बहुत ही अल्टीमेट और शानदार इसका जो कलर लगता है। और ये जो कलर है ड्यूल टोन के अंदर, काजीरंगा ग्रासलैंड बीच और ऊपर जो है पियानो ब्लैक फिनिश, या फिर हम फ्रंट से बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो चीज़ आती है, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट जो है इसका कलर कॉम्बिनेशन जो दोस्तों जचा है, और एक नई सी मतलब चमक जो है टाटा ने नेक्सॉन के अंदर जो है डाल दिया। तो चलिए हम इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रंट के अंदर जैसे टाटा का लोगो आता था वही आता है, और यहाँ पे जो है ये ग्रिल दी गई है जो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो ग्रिल है, यहाँ पे जो है इसके नीचे इन्होंने जो है ट्राई एरो डिज़ाइन दिया गया है, और इधर जो है नीचे आपको जो है ये फिर आपको जो है ग्रिल दी गई है, नीचे की जो क्लेडिंग है वो आपको जो है ब्लैक कलर के अंदर क्लेडिंग दी गई है, और इधर जो है आपको बात करूँ तो इसके अंदर जो है सेम एज इट इज ही जो आपको इसके अंदर जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, यहाँ पे जो है IBM वाला नॉर्मल हैलोजन मिलता है, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है आपको फॉग लैंप यूनिट मिल जाती है, और इधर जो है आपको DRLs और टर्न इंडिकेटर आपको जो है इसके अंदर कंबाइंड मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये है फ्रंट से कोई ज़्यादा चेंजेज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलर का ही चेंज है। और अगर मैं साइड प्रोफाइल से बात करूँ तो साइड के अंदर दिखता है मुझे रेहानो ब्लैक कलर के अंदर बाहर से उभरा हुआ, बहुत ही शानदार जो है इसके लुक को इनहांस करता है। और नीचे अगर आते हैं टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं जो डार्क ब्लैक कलर के साथ होते हैं, और इसकी जो प्रोफाइल की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है आपको 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, जिसकी प्रोफाइल है 255/60R16, और बहुत ही कूल और अट्रैक्टिव जो है मुझे इसके अंदर जो है लगते हैं। और ये बात तो साइड के अंदर और कोई मेजर चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो है राइनो मैंने आपको बताया दिया, बहुत ही कूल लगता है। इसके बाद में ये ORBM है जो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आते हैं, और इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और कुछ इस टाइप का जो है इसका साइड प्रोफाइल लगती है। बाकी नेक्सॉन जैसी है वैसी है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे जो आपको ये डार्क ब्लैक कलर मिलता है, ऊपर जो आपको ये रूफ रेल मिलती है, ये यहाँ पे जो आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल, तो चलिए रियर प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार। रियर के अंदर भी कोई चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर जो है ऊपर जो है साइड पिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, रियर ब्रेक लाइट मिल जाती है, डिफोगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है। यहाँ पे जो आपको नेक्सॉन डार्क कलर के अंदर जो है नेक्सॉन लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये है जो यहाँ पे एक ब्लैक कलर के अंदर जो है पियानो ब्लैक कलर के अंदर ये छोटी सी एक ग्रिल सी दे दी गई है। यहाँ पे जो है आपको टाटा का लोगो, नीचे जो है आपको कैमरा, ये रिकर्स सेंसर, और पीछे जो है आपको लुक कुछ इस टाइप का लुक आपको मिलता है। इधर जो है आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, ट्राई एरो डिज़ाइन आपको काफ़ी जगह जो है टाटा वाले यूज़ करते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और ये वन टच आपको जो है इसके अंदर जो है बूट स्पेस मिल जाएगा, बूट ओपनर मिल जाएगा, और काफ़ी बड़ा इसका जो है बूट है, लगभग 350 लीटर के आसपास इसका बूट आता है जो सेम नेक्सॉन के अंदर आता है। तो इसको हम करते हैं अभी बंद। तो दोस्तों, ये है टाटा का काजीरंगा एडिशन। बाहर से कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस है यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में दिखाता हूँ मैं क्या क्या इसके अंदर जो चेंज आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्त, इसके अंदर आपको जो है इसके अंदर ये स्मार्ट की मिल जाती है, कीलेस एंट्री आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है, और कुछ इस टाइप का इसका डोर है। ये यहाँ पे आपको जो है पेडल लैंप मिल जाते हैं, और ये जो है आपको पूरा ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है, ये डार्क ब्लैक है। यहाँ पे जो सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, सॉफ्ट लेदर है, और इधर जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ की गई है, और इधर जो है आपको ये पावर विंडो के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और ये जो है आपको इधर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM का बटन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम ट्विटर यहाँ पे है, म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे है, इसके अंदर हरमन के गार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज मुझे देखने को मिला वो है ये, आप देख रहे हो वेंटिलेटेड सीट। टाटा नेक्सॉन के अंदर वेंटिलेटेड सीट देखे, इसको जो है और भी ज़्यादा जो है बढ़िया बना दिया है टाटा के अंदर, बहुत ही शानदार काम किया है। और बाकी इसके अंदर जो है ये प्रीमियम लेदराइज सीट है, आपको
देखने को मिल जाती है। वही इसके अंदर भी जो सेम मैचिंग है, यहाँ पे डार्क ब्राउन है, इधर जो है काजीरंगा, थोड़ा सा मैचिंग साइज के अंदर जो आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर भी आपको इसके अंदर जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे है राइनो का जो है थोड़ा सा सिंबल सा दिया गया है और कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखी, वो है इसके अंदर जो डार्क वुडन फिनिश, बहुत ही कूल लगती है दोस्तों। देखिए मैं आपको इसके अंदर चल के दिखाता हूँ एक बार क्या कुछ सीन है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगी डार्क वुडन फिनिश, बहुत गजब की चीज़ है, बहुत ही शानदार काम किया टाटा वालों ने। और बाकी मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक ये चेंज आ गया है, एक इसके अंदर जो है ये ऑटो डिमिंग IRBM आप देख पा रहे होंगे, ऑटो डिमिंग जो है IRBM का ऑप्शन टाटा नेक्सॉन के अंदर आ गया है। शायद सेगमेंट की पहली गाड़ी होगी जिसके अंदर ऑटो डिमिंग IRBM आया है। साथ में जो है इसके अंदर एयर प्यूरीफायर भी आ गया है। तो दोस्तों नेक्सॉन के अंदर कुल कुल फीचर्स आप आ गए हैं। जो मेजर चेंजेज है मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये है, एक वेंटिलेटेड सीट है, फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड आ गई, और एक ये IRBM आ गया जो ऑटो डिमिंग आ गया, एक जो है एयर प्यूरीफायर जो आपको इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा एडिशन मिल जाएगा। बाकी कलर तो जो है ये, और ऊपर जो है सनरूफ आपको मिली जाती है जितनी सनरूफ पहले मिलती थी। यहाँ पर इसके कंट्रोल्स हैं और ये कुछ इस टाइप का है। इधर मैं बात करूँ तो इधर एक वैनिटी मिरर है, और इधर देखिए ये इसका यहाँ से ओपन होता है। इसके अंदर जो है कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है जो लाइटिंग के साथ है। इधर जो है आपको इसके अंदर भी वो मिल जाता है, और देखिए कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है इसका। नेक्सॉन लेदर है, आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, और इधर जो है आपको इसके अंदर स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इधर जो आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाएंगे, इधर जो आपको म्यूजिक सिस्टम के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का जो है इसके अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है। इधर जो है आपको इसके अंदर जो है म्यूजिक सिस्टम के अंदर ये देखिए एयर प्योरीफायर AQI जो है आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सप्रेस कूल का भी फंक्शंस जो तो इसके अंदर आता ही है, टॉप मॉडल है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको इसके अंदर जो है केबिन एयर क्वालिटी देखने को मिल जाता है पूर। तो इसके अंदर जो है दोस्तों एयर प्योरीफायर, ये बहुत ही शानदार फीचर्स इन्होंने दिया है। बाकी इसके अंदर जो है यहाँ पे नेक्सॉन की बेजिंग, ये AC वेंट्स वगैरह, ऑटोमेटिक AC वगैरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इधर जो है आपको ये एक्सप्रेस कूल और ये बूट ओपनिंग का, डिफोगर वाइपर का, पीछे वाले का डिफोगर का, ये ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है। इस टाइप से जो है टाटा नेक्सॉन के अंदर इंटीरियर के अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं जिससे इसके इंटीरियर में जान आ गई। और पीछे की जो सीटें हैं उसके अंदर भी जो आपको कुछ इस टाइप का ही आपको जो है लेदराइज सीट मिल जाती है जो काफ़ी प्रीमियम जो है देखने में लगती है। और इधर जो है आपको ये आपको मिलता ही था, पहले भी मिलता था, ये इसके अंदर जो है आर्मरेस्ट मिलता है, और इधर जो है इसके अंदर जगह मिल जाती है थोड़ी बहुत यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए। और इधर जो है आपको ये ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, ब्रेक मिल जाता है, इसके अंदर जो है आपको ये मिल जाता है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया टाटा नेक्सॉन का काजीरंगा एडिशन जिसके अंदर क्या क्या चेंजेज है वो सारे मैंने आपको बता दिए। इंजन है वो इसका सेम ही इंजन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ये जो पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट के अंदर आपको जो है काजीरंगा एडिशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं पेट्रोल के प्राइस की बात करूँ तो वो है 11,78,900 जो आपको पेट्रोल का ₹100 प्राइस मिल जाएगा। जो नेक्सॉन डीजल काजीरंगा एडिशन है वो 13,89,000 का आपको जो है ये नेक्सॉन डीजल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से जो है ये था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।